हेलो फ्रेंड्स तो अब हम आपके लिए एक जीके की सीरीज लेकर आए हैं जो जामिया ए और बी या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट होगी लेकिन स्पेशली ये जो सीरीज है जीके की ये मैंने जामिया और ए के लास्ट ईयर के पेपर्स देखकर उसके हिसाब से बनाई है तो इसमें इस वाले पार्ट में तो हम इसके फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम और इसके क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे और एक जो क्वेश्चन जामिया के एंट्रेंस और ए एमयू में आते हैं वो वो आती है कुछ स्पेशल्स ऑथर्स हैं और उनके बुक के ऊपर जैसे कि महात्मा गांधी हो गए या फिर जवाहरलाल नेहरू तो मैं उन सब ऑथर्स उन सब की बुक्स के बारे में बताऊंगा उसको नेक्स्ट सीरीज में करेंगे हम ठीक है तो हम अपनी ये वाली सीरीज शुरू करते हैं इसमें क्या होगा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आपको उसका जवाब देना है अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मैं उसका तभी आंसर बताऊंगा इसमें हम वन वर्ड की फॉर्म में जीके को अपनी तैयार करेंगे ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है उर्दू इज ड्राइव फ्रॉम सो उर्दू इज ड्राइव फ्रॉम ए टर्किश टर्किश लैंग्वेज से उर्दू को हम ड्राइव करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हुट द पोयम सुब ए आजाद आपको बताना है करेक्ट आंसर इज फैज अहमद फैज नेक्स्ट क्वेश्चन द टॉम ऑफ मिर्जा गालिब इज सिचुएटेड एट आंसर इज डेली नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड फेमस उर्दू नोवेल उमराव जान अदा करेक्ट आंसर इज मिर्जा आदि नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज नोन एज जिंदा पीर करेक्ट आंसर इज औरंगजेब नेक्स्ट क्वेश्चन विश सूफी संत दरगाह एट अजमेर करेक्ट आंसर इज मोहद्दीन चिश्ती नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज नोन एज निर्गुना रिफॉर्म करेक्ट आंसर इज कबीर नेक्स्ट क्वेश्चन मीर तक वॉज फेमस फॉर आंसर इज इज ए उर्दू पोएट नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज मोस्ट पॉपुलर सूफी आंसर इज रबिन नेक्स्ट क्वेश्चन The term Aryan denotes. Answer is a speech group. Next question. Godan is written by. Premchand. Next question. The national game of Spain is. Bullfighting. Next question. First Olympic game played.

नेम ऑफ बिस्मिल्ला इज एसोसिएटेड ऑफ विद म्यूजिक नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक इंडिया विंस फ्रीडम रिटिन बाय आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल कलाम आजाद एडिटेड द जर्नल उसका नेम बताना है आंसर इज अल हिलाल नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया आंसर इज समुद्र गुप्ता Zakir Hussein, Ustad Ajmal, Ali Khan, and Ustad Bismillah Khan associated with? Answer is music. Next question. The court language of Mughal was? Answer is Persian. Next question. गौतम बुद्ध वासबॉर्न इन एज नो दैट गौतम बुद्ध बॉर्न इन आंसर इज लुम्बिनी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉम इज कॉल्ड सेकेंड ताजमहल इसका आंसर है रबीन रबिया उदौरानी इनका टॉम है जिसको हम कहते हैं इस टॉम को कहते हैं हम रबींद्र दौरानी जो दूसरा ताजमहल कहलाता है अगला क्वेश्चन करते हैं ऑफ लखनऊ लास के लास्ट नवाब कौन थे आंसर क्या है इसका वाजिद अली शाह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट एट दिल्ली हु बिल्ट मोती मस्जिद जो है लाल किले पर दिल्ली में वो किसने बनाई थी इसका आंसर है औरंगजेब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एलेग्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वाज़ ड्यू टू अलेग्जेंडर जो था वो क्यों सक्सेस हुआ था इंडिया में इसका आंसर है ही वाज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर मतलब अच्छा शासक था वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन नेशनल सॉन्ग कंपोज बाय इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया था आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने कंपोज किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु आज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा जो आगरा सिटी है उसका फाउंडर कौन था आंसर है इब्राहिम लोधी इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है इब्राहिम लोधी जो है वो लास्ट रूलर भी थे किसके लोधी डायनेस्टी के तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी तो आपको इब्राहिम लोधी बताना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड एज नाइटिंगल ऑफ इंडिया नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है आंसर इज सरोजनी नायडू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आंसर इज अलाउदीन खलजी नेक्स्ट क्वेश्चन दीने इलाही वॉज फाउंडेड बाय दीनेलाही एक टर्म जो है वो किसने चलाई थी मतलब कौन थे इसके च... स्टार्ट करने वाले तो आंसर है इसका अकबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हु आज फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस जो है उसके फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन थे आंसर इज लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय को लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है तो हमें यह भी याद रखना है ये सवाल भी पूछा जा सकता है हु वॉज लायन ऑफ पंजाब तो लाला लाजपत राय चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु बुल्ड बिल्ट कुतुब मीनार कुतुब मीनार किसने बनाई थी तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी अच्छा इसमें एक चीज और पूछा जाता है जो कुतुब मीनार में जो मीनार है वो कौन सी मस्जिद की है तो उस मस्जिद का नाम है कोतुल इस्लाम मॉस्क। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोतुल इस्लाम मॉस्क कहां पर सिचुएटेड है तो वो दिल्ली में है क्योंकि कुतुब मीनार जो मीनार है वो उसी मस्जिद की मीनार है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विच आर दी ट्विन सिटीज तो ट्विन सिटीज कौन सी कहलाती है इंडिया में उसका आंसर है हैदराबाद एंड सिकंदराबाद ये दोनों कहलाती हैं ट्विन सिटीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ मैनी पोर्ट्स इन इंडिया इंडिया में कितनी बंदरगाह हैं तो इसका आंसर है इंडिया में दो बंदरगाह मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं पहली मेजर दूसरी माइनर मेजर जो हैं वो ट्वेल्व हैं माइनर्स वो हैं वन थर्टी फाइव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इंडिया में ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है उसका आंसर है वीना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय स्मॉल पॉक्स को किसने डिस्कवर किया था इसका आंसर है मोहम्मद बिन जकरिया रजी इन्होंने स्मॉल पॉक्स का डिस्कवरी की थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन टेरिटरी तो इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट या टॉप पॉइंट है जो माउंटेन है उसका नाम क्या है बताना है तो इसका नाम है केतू माउंट एवरेस्ट मत करना माउंट एवरेस्ट नेपाल में है नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड दुनिया का शुगर बाउल कौन सा कंट्री कहलाता है तो इसका आंसर है क्यूबा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा विच कंट्री इज सेपरेटेड बाय तो इसमें तीन क्वेश्चंस को मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है तो ये तीन लाइन है एक को है मैकमोहन लाइन एक है दूरन लाइन एक है रेडक्लिफ लाइन तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें आप बताइए कि मैकमोहन लाइन किस, किस के बीच में है दूरन लाइन किसके बीच में है, और रेडक्लिफ लाइन तो इन का आंसर है मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच कहलाती है मैकमोहन लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच कहलाती है दूर लाइन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच कहलाती है रेड क्लिफ लाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज हाइएस्ट ऑन मतलब जो अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करती है वो कब हाइएस्ट होता है तो इसका आंसर है नेवर चेंजेस इसका रेट जो है वो चेंज नहीं होता है जो एक स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं खुदाई खदमत इज ए पार्टी फाउंडेड बाय खुदाई खदमतगार जो पार्टी थी वो उसको किसने फाउंड किया था उसके फाउंडर कौन थे आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हुमायूं टॉम इज सिचुएटेड एट हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पर सिचुएटेड है मतलब कहां पर है वो इस? आंसर इसका है दिल्ली, दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिल्ली दूर अस्थ ये शब्द किसके हैं हनूस दिल्ली दूर अस्त इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टॉम ऑफ बाबर इज सिचुएटेड एट बाबर का मकबरा कहां पर है आंसर है काबुल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एने अकबरी वॉज रिटन बाय एन ए अकबरी जो था वो किसने लिखा था इसका आंसर है अबुल फजल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एन इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड एट जो डांसिंग गर्ल की जो इमेज थी वो कहां पर पाई गई इसका आंसर है दारो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो किस एज में रिटायर होते हैं वो बताना है आपको तो करेक्ट आंसर इज 62 टू ईयर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन जो मनी बिल है वो कहां इंट्रोड्यूस होता है लाइक like, राज्यसभा लोकसभा तो आंसर है इसका लोकसभा लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द रिवर मोस्ट मेन्शन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर जो अर्ली वैदिक लिटरेचर जो है उसमें कौन सी रिवर है जो सबसे ज्यादा बार हुई है तो इसका आंसर है सिंधु तो फ्रेंड आपके ये फिफ्टी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए इसमें ये जो फिफ्टी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि जामिया के एंट्रेंस में और एम यू के एंट्रेंस में आते हैं या फिर आ चुके हैं इसी तरह की एक दो सीरीज हम और करेंगे जिससे कि हम मोस्टली जामिया में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको कवर कर लें और फिर हम इसके थोड़े करंट अफेयर की एक दो सीरीज करेंगे और एक सीरीज जो हम करेंगे उसमें हम कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर जो जामिया के एंट्रेंस में ज्यादातर आते हैं और इसको हम इसी फॉर्म में क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में करेंगे ठीक है तो आपको इसे एज ए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपको पता लग सके कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं क्योंकि तो फिर आप उन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आपको आते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैं क्या इस जैसी और सीरीज बनाऊं चलिए थैंक यू